हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज का टॉपिक है कंप्यूटर का, जो है 20 ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो यूज होता है एकदम बेसिक. स्टार्टिंग आप जो कंप्यूटर करेंगे तो आपको जो ट्रिक है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा. सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम चालू करते हैं तो क्या होता है, आप विंडोज प्लस आर दबाएंगे. ठीक, तो ये नीचे देखिए रन बॉक्स जो है कि खुल गया है. देखिए रन बॉक्स खुल गया है, इसमें हम कोई भी खोलना चाहेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर. जैसे हमने डॉस खोलना है तो हम क्या करेंगे, CMD लिख के और इंटर दबा देंगे. देखिए डॉस खुल गया. तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है, देख ली ध्यान से, खुल गया आपके सामने स्क्रीन पर. तो एक ट्रिक हो गया. आप अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं हम. पहली ट्रिक हो गया आपका, और दूसरी ट्रिक क्या है देख लीजिए, आप समझ लीजिए. उसके बाद जो है कि अगली ट्रिक हम बताते हैं. अगर कोई भी जो है कोई भी प्रोग्राम खोलता है, अगर खोलना है शॉर्टकट की में, तो हम विंडोज की दबाएंगे और ऑल प्रोग्राम दिख रहा है आपको, ऑल प्रोग्राम, और कीबोर्ड से या तो माउस से आप ऑल प्रोग्राम पे सेलेक्ट कर और इंटर दबा देंगे. उसके बाद हम एक्सेसरीज में जाएंगे. देखिए यहाँ से एक्सेसरीज में जा रहा है, ये एक्सेसरीज में जाकर इंटर क्लिक करेंगे. उसके बाद हमें नोटपैड खोलना है, चाहे CMD खोलना है, चाहे देखिए पेंट खोलना है, नोटपैड या पेंट खोलना है तो उस पर सेलेक्ट करके वहाँ पे, और उसके बाद इंटर क्लिक कर देंगे. तो देखिए आपका ये पेंट खुल गया. तो दो ट्रिक हो गया आपका. और इसको अगर दूसरी ट्रिक, और उसके बाद खुला हुआ प्रोग्राम को हमें काटना है. ठीक, तो खुला हुआ प्रोग्राम को हमें अगर काटना है तो एकदम ईजी तरीका है, Alt+F4. आपको बताया गया Alt+F4 से शट डाउन होता है कंप्यूटर. लेकिन यह भी याद रहे कि उसी शॉर्टकट की से जो होता है खुला हुआ प्रोग्राम पहले कट होता है. ठीक, तो देखिए हम कर दिखा रहे हैं, Alt+F4, ये जो है आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया, यानी कट गया. अगर हमें शट डाउन करना रहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, Alt+F4 फिर दबाएंगे, तो देखिए ये शट डाउन का ऑप्शन आ गया. ठीक, तो ये आपका 3 से 4 ट्रिक हो गया. हमको अभी शट डाउन नहीं करना है, हमें अभी बहुत सारे पढ़ना है, बहुत सारा ट्रिक हम जानना है, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं. ठीक, अगली ट्रिक पे चलते हैं. तो देखिए अगली ट्रिक पे हम चलते हैं. तो क्या हुआ आपका जो है, देखिए अगर कुछ भी जो है फाइल है, जो है ये फाइल दिख रहा है, आइकन्स दिख रहा है, ये सब देख रहे हैं आपके LCD पे आइकन्स, इसको बोलते हैं आइकन्स. इसको अगर हमें डिलीट करना है, कोई भी फाइल अगर डिलीट करना है हमें, जैसे ये फाइल है इधर दिख रहा है आपको, जे नाम से फाइल है, या तो या टी नाम से फाइल है. ठीक, ये टी नाम से फाइल है, इसको अगर हमें डिलीट करना है, या तो कोई नया फोल्डर ले रहे हैं हम, जैसे ये नया फोल्डर हमने बना दिया. ठीक, यहाँ पे नया फोल्डर बन गया. ठीक, तो इसको हमें डिलीट करना है. न्यू फोल्डर कहाँ गया देखिए ध्यान से, न्यू फोल्डर आपका यहाँ पे आ गया. ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया. इसको अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट दो प्रकार से होता है, ये भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा. देखिए एक होता है कि सिर्फ डिलीट बटन दबा देंगे, देखिए डिलीट सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है अब देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे, आर योर श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन. यानी ये जो फाइल डिलीट होगी, ये जो फोल्डर डिलीट होगा, तो ये रिसाइकल बिन में जो है जाकर मूव हो जाएगा, यानी उसके अंदर चला जाएगा. ठीक, तो इसको हम कर देखते हैं, यस करेंगे तो हो जाएगा. ठीक, यस करेंगे तो देखिए रिसाइकल बिन में वो फाइल चली गई, डिलीट पूरी तरह से नहीं हुआ है, रिसाइकल बिन में आ गया. ठीक, यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये आ गया. ठीक, इसको हम चाहेंगे तो फिर से हम यहाँ पे निकाल देंगे, देखिए यह निकल गया, यहाँ पे आ गया, फिर यह दिख रहा है. तो ये परमानेंट डिलीट नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो रहा है, ये एक तरीका हो गया डिलीट. लेकिन यही चीज़ हमको डिलीट करना है, फिर से हमेशा के लिए डिलीट करना है, यानी पूरा सिस्टम में से गायब हो जाए, तो क्या करेंगे हम, Shift+Delete, यानी कीबोर्ड से हम Shift दबाकर और डिलीट बटन को दबाएंगे. देखिए ये ऑप्शन आएगा दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, इतना आ रहा है आपका. तो इसको क्या करेंगे, हम परमानेंटली बोला यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो गया, बस यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा. और यस किससे होता है, इंटर से यस होता है, यानी ओके होता है, या तो माउस से आप यस पे क्लिक करेंगे या तो इंटर दबा देंगे, बात देखिए. ठीक, हम क्लिक कर दिए, देखिए वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया. अब हम जाकर रिसाइकल बिन में चेक कर लेते हैं कि है नहीं ना यहाँ पे, तो देख लेते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है फाइल. तो इस तरह करके आप जो है कि आप ट्रिक आपको समझ में आया होगा, इस तरह करके आप वर्क कर सकते हैं.
अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर बाय द वे कोई आ गया, आप मूवी देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो कंप्यूटर को लॉक करना है, तो क्या करेंगे हम, विंडोज प्लस यल, देखिए विंडोज प्लस यल कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। विंडोज की होता है दो जगह होता है कीबोर्ड में, ठीक, तो विंडोज दबाकर और यल को हम क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, और फिर इंटर क्लिक कर देंगे तो आपका जहाँ से आप काम कर रहे थे वहाँ से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, ठीक है, जैसे नोटपैड खोल लिया हमने, ठीक, ये नोटपैड खुल गया, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं इस पर, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक, तो क्या करेंगे, अगर कोई आ गया हमको बंद करना है इसको, यहीं पर बंद करना है इतना ही पे, तो विंडोज यल दबा देंगे, यानी बंद हो गया, ठीक, इस तरह बंद हो गया, और इंटर दबा देंगे तो डायरेक्टली वहीं से हमारा काम चालू हो जाएगा। तो ये आपको बेहतरीन ट्रिक है। अगली ट्रिक पे चलते हैं, अगली ट्रिक देखिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसको हम काट देते हैं, ठीक, इसको हम काट देते हैं। अगली ट्रिक जो है ध्यान से देखिए, मेमोरी कैसे चेक करें हम कि अपने सिस्टम की मेमोरी कितनी रैम है, कितने जीबी है, कितना क्या है, तो विंडोज प्लस ई एक शॉर्टकट की है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, विंडोज प्लस ई दबाएंगे, देखिए ये मेमोरी आ जाएगा, मेमोरी तीनों मेमोरी खुल गया है, लोकल ड्राइव, लोकल डिस्क ड्राइव सी है, ठीक, लोकल डिस्क सी है, फिर लोकल डिस्क ई है, इस तरह करके लोकल डिस्क डी है, तीनों डी है आपका, है तीनों फाइल है, दिख रहा है यहाँ पे, इसको चेक करना है कि कितना क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा है सिस्टम प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिखा है, इस पर बस हम दबा देंगे, ठीक, देखिए यहाँ पे खुल गया, और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर लेते हैं, देखिए तो ये आपका, देखिए ये आपका खुल गया है, 3.9 रेटिंग है इसकी, इतना रैम है 2GB, 64 bits ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह करके आपका सारा ये प्रोसेसर इतना दिन आपका दिखा रहा है, ठीक है, विंडोज 7 इसमें चल रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है, HP का सिस्टम है ये भी दिखा रहा है, इस तरह करके हम सारा जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको हम अल्ट प्लस या F4 से काट देते हैं। अब अगली ट्रिक पे चलते हैं, अगली ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे कोई प्रोग्राम हमने खोल लेते हैं, ठीक, ये एक ठो ये खोल लिए, एक ठो ए भी खोल लिए हम, और उसके बाद एक और फाइल खोल लेते हैं, यानी तीन फाइल खोल लेते हैं, यानी पेंट भी, तीनों फाइल को खोल लिए हैं, और विंडोज प्लस डी से हम तीनों को एक ही साथ में क्या कर दिए, देखिए छुप गया है, विंडोज प्लस डी से क्या है, आप छुपा सकते हैं, कितना भी प्रोग्राम खुला है चल रहा है, आप विंडोज प्लस डी दबा देते हैं तो छुप जाएगा, और फिर उसी को क्या है, विंडोज प्लस डी दबाएंगे तो फिर तीनों प्रोग्राम साथ में आ जाएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे तीनों प्रोग्राम आ गया, देखिए ये आपका है, उसके बाद ये है आपका, उसके बाद ये है आपका, ठीक, तीनों का तीनों आपका प्रोग्राम दिख रहा है। तो अगली ट्रिक पे चलते हैं, विंडोज प्लस डी से हम छिपा देते हैं, उसके बाद अगली ट्रिक है विंडोज प्लस टैब, विंडोज प्लस टैब की आप अगर दबाते हैं साथ में, विंडोज दबाकर और टैब दबाते हैं, तो देखिए इस तरह कुछ आपका दिखाई देगा, देखिए इस तरह, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, देखिए आपका जो है सारा प्रोग्राम पे हम काम कर सकते हैं एक साथ में, जैसे हमें पेंट में जाना है तो पेंट में आ गया, ठीक, पेंट में हमने कुछ ड्राइंग वगैरह कुछ भी हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक, इस तरह अपने बना लिए हम, इस तरह कुछ बना लिए, ठीक, और अब इस पर नहीं काम करना, अब दूसरे में काम करना है तो विंडोज प्लस, अब इसमें आ जाएंगे, इसमें विंडोज प्लस टैब दबा देंगे तो इसमें आ जाएंगे, और इसमें भी कुछ हमने लिख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारा लिख के, और इसमें नहीं करना है फिर दूसरे में जाकर करना है, तो एक साथ में हम कई फाइल में हम काम कर सकते हैं, ठीक, एक साथ में हम कई फाइल में काम कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक। उसके बाद हम अगली ट्रिक पर चलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, उसके बाद होता है विंडोज प्लस, अगली ट्रिक विंडोज से ही है, विंडोज प्लस क्या, पहले इसको छिपा लेते हैं, विंडोज प्लस क्या होता है, यफ, विंडोज प्लस यफ से फाइंड होता है, देखिए फाइंड होता है पढ़ाया गया है, ये आपका सर्च होता है, विंडोज प्लस यफ से सर्च रिजल्ट, इसमें हम कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, जैसे राम नाम से कोई फाइल बनी है तो यहाँ पे राम लिखेंगे, राम नाम से जितनी भी फाइल रहेगी, देखिए आपके सामने खुल गया है, राम नाम से जितनी भी फाइल है आपके सामने खुल गया है, सिर्फ सर्च कर सकते हैं, ठीक, ये आपका ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली ट्रिक पे चलते हैं, अगर कोई प्रोग्राम खुला है और फिर उसको अथू करना है, छिपाना है, सिर्फ एक ही ट्रिक रहेगा, विंडोज प्लस यम दबा देंगे तो छुप जाएगा, ठीक, और उसी को फिर लाना है तो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस यन दबाएंगे, ठीक, देखिए तो आ गया आपका, ठीक, आपका जा रहा है फिर आ रहा है, ठीक, इस तरह करके आप कर सकते हैं, ठीक, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी,
और अब चलते हैं अगली ट्रिक पे, इसको छिपा देते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो आपको समझ में आएगा अच्छी ट्रिक है, आप बस ध्यान दीजिए, वीडियो पे कंटिन्यू बनाए रखें और फुल वीडियो देखें, ठीक। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगले ट्रिक पे हम चलते हैं। अगर हमें एमएस ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर खेलना है, जैसे वर्ड पैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, इस ये सारे सॉफ्टवेयर अगर खोलना है तो एक हमें ट्रिक है, एक अच्छी ट्रिक है, डायरेक्ट हम जा सकते हैं, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, इतना आप जाएंगे तब खुल पाएंगे। देखिए यहाँ से जाकर हम खोलते हैं, स्टार्ट बटन, आल प्रोग्राम, और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस है, इसके अंदर जाकर हम खोलते हैं। यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे सब फाइल है, एमएस ऑफिस का सब फाइल है, तो इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेहतरीन ट्रिक है, बस आपका माउस का राइट क्लिक करना है, माउस का रिफ्रेश करने के लिए हम लोग लेफ्ट और राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक कर न्यू लिखा है, बस न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी जो है सारी फाइल दिख रहा है। देखिए आपको ध्यान से सारी फाइल दिख रहा है, ये जो है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये सारी फाइल दिख रहा है। देखिए तो हम नोटपैड वर्डपैड जो भी है, एक्सेस है, जो भी आपको देख सकते हैं, ये आपको खोल सकते हैं। इस पर आप दबाएंगे, जैसे ही देखिए यहाँ पे आ गया आपका, ठीक, ये आ गया, ठीक है। आप इसको खोलना है तो इस पर दो बार क्लिक कर दीजिए, देखिए वर्ड एमएस वर्ड जो आपका खुल गया, इस तरह आपका एमएस वर्ड आपका खुल रहा है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए खुल गया, ठीक। इस तरह करके आप एमएस वर्ड खोल सकते हैं, एक बेहतरीन अच्छी ट्रिक है, आप इसको यूज कर आप आगे बढ़िए, ठीक। अगली ट्रिक पे चलते हैं हम, इसको हम क्लोज कर देते हैं, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस सी एल, कंट्रोल प्लस एफ फोर, विंडोज प्लस एफ फोर, ठीक। उसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई छोटा बच्चा है अगर कंप्यूटर चला रहा है बार बार, तो उसको आप कंप्यूटर को चाहेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन को आप उल्टा कर सकते हैं, एकदम बेहतरीन ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ कीबोर्ड से आप क्लिक कर आप जो है स्क्रीन को उल्टा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन को दबा के, और ये जो है एरो की होता है, आप देखेंगे कीबोर्ड में जो एरो की होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन होता है, देखिए जैसे ही दबाएंगे तो आपका ये चेंज होगा, ठीक। इस तरह नहीं हो रहा है इस वाले सिस्टम में, लेकिन होता है, आप कर देखेंगे लेफ्ट राइट से होता है। अगली ट्रिक पे हम चलते हैं, अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कैसे मारेंगे कि कंप्यूटर में, एक बेहतरीन एक बटन से आप मार सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, अब जो इंसर्ट बटन होती है, इंसर्ट बटन होती है, उसके ऊपर जो है प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन दिया रहता है, स्क्रॉल लॉक भी बगल में बटन है, उसी के बगल में प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, साइन स्क्रीन, उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। इस तरह दबा देंगे एक बार तो आपका स्क्रीन शॉट हो गया। अब करना क्या है, पेंट में हम जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक, कि स्क्रीन शॉट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट हम देखेंगे कैसे, देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे वहाँ से कर आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी दबा देंगे, देखिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया है, पेंट में आपको दिख रहा है सारा कुछ, आपका स्क्रीनशॉट हो गया है, जितना भी था अभी वहाँ से यहाँ तक देखिए आ गया, स्क्रीनशॉट हो गया है, हाँ ये आपका दिख रहा है, देखिए अच्छे तरीके से हो गया, ठीक। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, एक अच्छी ट्रिक है। और उसके बाद अगली ट्रिक पर हम चलते हैं, अगर आपका पेंट जो खुला है, ये पेंट में एक अच्छी ट्रिक है, ये भी जान लीजिए, पेंट में जो खुला है आपका ऊपर दिख रहा है, सब प्रोग्राम दिख रहा है, ये सब सारा जो भी, इसको अगर छुपाना है तो एक कंट्रोल प्लस या फोन दबा देंगे, देखिए आपका छुप गया, बेहतरीन ट्रिक है, कंट्रोल प्लस या फोन से आएगा और जाएगा, यानी छिप भी जाएगा और आ भी जाएगा, ठीक। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग करिए इसको और आगे बढ़िए, ठीक, इसी से जाएगा और आएगा, ठीक, अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग कर आगे बढ़िए। और उसके बाद एक और ट्रिक बताते हैं, एक अच्छी ट्रिक जो है, बेहतरीन ट्रिक, आप लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए क्या होता है, एक अच्छी ट्रिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छी ट्रिक क्या है आपका, देखिए कंट्रोल प्लस स्केप, ये कंट्रोल प्लस स्केप बटन दबाएंगे जो आप विंडोज दबा खोल रहे हैं, अगर विंडोज बटन खराब हो जाती है तो इस तरह करके आप इसमें सर्च कर सकते हैं, सर्च करके कोई भी फोल्डर, कोई फाइल, नोटपैड खोलना है, प्रिंट खोलना है, टाइपिंग खोलना है तो आप खोल सकते हैं, देखिए ये नोटपैड खुल गया, इस तरह आप खोल सकते हैं सर्च करके, ठीक। तो एक अच्छी ट्रिक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, करके आप आगे बढ़िए, ठीक। उसके बाद अगली ट्रिक पर चलते हैं, बेहतरीन ट्रिक है, तो देखिए कैसे होता है आपका अच्छी ट्रिक जो है काम, उसको करना है
तो कंट्रोल प्लस, अरे कंट्रोल प्लस बोल रहे हैं, आपका जो है F2, देखिए F2 होता है क्या, रीनेम करने के लिए F2 होता है। जैसे हम कोई फोल्डर, ये फोल्डर को हम बस सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक, और F2 की हम दबा देंगे, F2 बटन दबा देंगे तो देखिए वो सिलेक्शन हो गया है। उसमें अगर हमने नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं, आर ए, हम अगर राम नाम लिख दिए, देखो राम वहाँ दिखने लगा, राम यहाँ पे राम हो गया ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे राम हो गया ठीक। इस तरह करके आप सारा चीज चेंज कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए, जो आपको दिख नहीं रहा हो अच्छे से, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और उसी इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में हम। और कुछ भी अगर छूटा हो तो आप कमेंट करिए, उसका उसका वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा और बताया जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोग को एक ड्राइंग में बताते हैं, एक बनाए हुए हैं कंप्यूटर के, एक बेसिक सा क्लास है जिसमें हम सबसे पहले अपने ड्राइंग को पेंट करते हैं। आप सब देख सकते हो डेस्कटॉप पर, तो मैंने पेंट पर गया। पेंट पर जाने के बाद मैं पहले ऑलरेडी बना कर रख चुका हूँ, तो इस पर जाने के बाद मैं अपना यहाँ पर सर्च करूँगा कि मेरा जो भी बनाए रहेंगे उस पर सर्च करेंगे तो दिखा देगा। तो मैं YouTube के नाम से बनाया हूँ, ये मेरा दिखा रहा है, तो आप सब देख सकते हो ये मेरा डेस्कटॉप पर, आप अच्छे तरह से देख सकते हो। ये मैं बोर्ड बनाया हूँ, ये बोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये CPU है, ये स्पीकर है, ये माउस है, ये माउस है, और ये कीबोर्ड है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में 102 से 108 बटन होती हैं, माउस में 3 बटन होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ये वाला जो है ये हमारे लेफ्ट होती है, ये जो होती है राइट। तो अधिकतर हम लोग लेफ्ट का प्रयोग करते हैं, राइट का जो है कि रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये जो बीच में दिख रहा है आप लोग को, ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में जो है उससे मेरा स्क्रॉल होता है, इससे हमारा स्क्रॉल होता है। ये मेरा CPU है, CPU का सबसे पहला जो बटन है ये ओपन करने के लिए होता है, ये जो होता है री ओपन करने के लिए होता है। अचानक से मेरा जो कंप्यूटर होता है वो हैंग करने लगता है तो मेरा प्रोग्राम जो रहता है वो डिलीट हो जाता है, तो मैं इसको क्लिक करके पुनः उसको ला सकता हूँ। ये मेरा स्पीकर है जिससे हम सब म्यूजिक सुनते हैं। बस इतना ही आज के क्लास में, और टॉपिक अगले क्लास में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड ऑल ऑफ यू, आज का कंप्यूटर क्लास बेसिक क्लास है, जो कि आप लोगों को MS पेंट में हम फिगर बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे एकदम विस्तार से। चलिए अब चलते हैं डेस्कटॉप पे, और मैंने एक पार्ट वन बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट टू बनाना है, जिसमें आज कीबोर्ड और माउस के बारे में जानेंगे और कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम जानेंगे ठीक। चलते हैं, अब देखिए सबसे पहले हमने कीबोर्ड बना लेते हैं। ये देखिए कीबोर्ड बना रहे हैं हम, ये कीबोर्ड हो गया, इसकी हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। कीबोर्ड हो गया आपका, और देखिए कीबोर्ड हम बना दे रहे हैं। कीबोर्ड में देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम साइज पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो जा रहा था, यहाँ से पतला कर लेते हैं और यहाँ से हटा देंगे। ये कीबोर्ड बना रहे हैं, देखिए कीबोर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जान लीजिए कि इसमें बटन कितने होते हैं, 102 से 108 बटन होते हैं इसमें, 102 से 108 बटन, DU 108 बटन होते हैं। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज
कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, ये है कीबोर्ड के पिता। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज कीबोर्ड के पिता है। इसमें 102 से 108 बटन होते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको 102 से 108 बटन होते हैं। और इसके पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। इस सारे बटन, इसमें 7 तरीके का बटन होते हैं जो कि हम पहले पार्ट में बता दिए हैं। और ये बटन जो इसमें सारे का बटन का कार्य हम एक एक हर एक वीडियो में एक एक बटन का हम कार्य बताएंगे। कीबोर्ड के पिता बता दिए। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है, वो बताया गया है। और ये इनपुट है जिससे हम इनपुट कराते हैं, जिससे हम कोई भी लिखते हैं बटन से तो अंदर जाता है, यानी मॉनिटर के अंदर दिखाई देता है तो क्या हो रहा है, इन हो रहा है, उसके अंदर जा रहा है तो इन हो रहा है, मतलब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड के पिता क्रिस्टोफर लैथम सोलेज सोलेज हैं। अब देखिए माउस पे चलते हैं, माउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड एक चीज़ और जान लीजिए, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस जो होता है कीबोर्ड ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस कीबोर्ड है, ठीक है, याद रहे। अब ये देख लीजिए माउस है, ये देखिए माउस बन चुका है, ये देखिए माउस है, ये है माउस। माउस आपको बनकर तैयार हो गया है। अब माउस में देखिए कितने बटन होते हैं, अब देख लीजिए माउस में कितने होते हैं। पहले माउस के बारे में हम जान लेते हैं, माउस के पिता जो होते हैं, ये पिता जान लेते हैं। माउस के पिता होते हैं डगलस, डगलस डगलस एंजलबर्ड अमेरिका, ठीक, इसके पिता जो है अमेरिका, डगलस एंजलबर्ड अमेरिका के हैं जो है ये माउस के पिता जो है बनाने वाले जो है डगलस एंजलबर्ड अमेरिका के हैं। इसमें बटन होते हैं, देखिए बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, ये लेफ्ट बटन है, ठीक, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो जाएगा आपका, देखिए ये राइट, ये राइट हो गया, देखिए लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। और बीच में जो बटन होती है स्क्रॉल होती है, ये बीच की बटन जो होती है, ये बीच में जो बटन होती है इसका नाम होता है स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे किया जाता है, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल। स्क्रॉल बटन जो भी है, स्क्रॉल बटन ठीक है होता है। लेफ्ट बटन सबसे पहले, लेफ्ट बटन होती है, लेफ्ट का क्या काम होता है, ओके करने के लिए बहुत सारा जितना भी काम होता है लेफ्ट से सबसे ज्यादा काम होता है, जैसे लेफ्ट हैंड से हम लोग ज्यादा काम करते हैं उसी तरह लेफ्ट बटन से इसमें काम करते हैं हम। और माउस राइट बटन से रिफ्रेश करना, मतलब बहुत कम यूज होता है राइट बटन का। और बीच वाला बटन का क्या होता है, सॉन्ग को ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब हजारों सॉन्ग है उसको ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बटन होता है, गोल जो होती है उसको हम घुमाते हैं इस तरह कर तो होता है, ठीक। और ये हो गया आपका ये कीबोर्ड, ये हो गया माउस, दोनों का फुल आपका जानकारी हो गया। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला हम आपको बता रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जान लीजिए, कुछ हार्डवेयर डिवाइस के नाम और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम। देखिए हार्डवेयर होता है, ठीक, हार्डवेयर, हार्डवेयर में देखिए हार्डवेयर में कौन कौन सा आएगा, हार्डवेयर में हम जान लेते हैं कौन कौन से आएगा, ठीक। हार्डवेयर में आपका ये चीज आ जाएगा, ये हार्डवेयर है, ठीक। इसमें हम बता रहे हैं हार्डवेयर, बहुत तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। पहला हो जाएगा आपका माउस, माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एलसीडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा,
एलसीडी हो गया, रिवडी हो गया, और उसके बाद हो जाएगा एलईडी हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टीवी भी हो जाएगा, उसके बाद आपका सीआरटी, एक नया मॉनिटर का सीआरटी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बेसिक क्लास है कंप्यूटर का, एकदम बेसिक जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, एकदम बेसिकली वही जानकारी आपको मिलेगी, एकदम बेसिक से सीखेंगे। पहला पार्ट आपका रहेगा ये, और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, और ये आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाया हूँ बहुत मेहनत कर कर। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। पहले चलिए समझते हैं। देखिए ये जो तीर दिख रहा है मेरा कर्सर है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मॉनिटर, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। जो दिख रहा है पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। यहाँ पे लिखा गया भी है मॉनिटर, ठीक, यहाँ लिखा है मॉनिटर। उसके बाद लिखा गया है वर्क स्पेस, इसका नाम है मॉनिटर। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, जो एलसीडी की तरह दिख रहा है, इसका नाम है मॉनिटर। और बीच में जो है हम काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जो भी होता है, जैसे हमने ये सब बनाया हूँ, तो इसको बीच वाला को क्या बोलेंगे हम, वर्क स्पेस, कार्य करने की जगह, वर्क स्पेस। ये हो गया, यहाँ तक हो गया आपका। और इसका क्या नाम है, मतलब कौन बनाया है इसको, कंप्यूटर, इसको सिंपली भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को कौन बनाया है, चार्ल्स बैबेज। कहाँ के हैं वो, अमेरिका, यहाँ लिखा गया अमेरिका, चार्ल्स बैबेज अमेरिका, अमेरिका के रहने वाले हैं, जो है कि चार्ल्स बैबेज ने बनाया है कंप्यूटर को, ठीक। उसके बाद जो है आपका अगला है ये बटन। नीचे क्या है, बटन है, यहाँ पे जो देखिए बटन, पांच बटन है कंप्यूटर में, कितने बटन होते हैं, पांच, 1 2 3 4 5 है। पांचों का नाम हमने दर्शाया हूँ। पहला वाला जो है देखिए ब्लू लाइन में, नीली लाइन में है, इसमें ऑन और ऑफ, इससे क्या किया जाता है, ऑन और ऑफ, बंद और चालू किया जाता है इससे, ठीक। और दो जो बटन है रेड वाली पट्टी में हमने खींच कर बनाया हूँ, यहाँ पे माइनस एंड प्लस, यहाँ दर्शाया हूँ ब्लू लाइन में ही है, ठीक, ब्लू में ही दर्शाए हैं, प्लस और माइनस दिख रहा है, और यहाँ वैल्यूम लिखा गया है। इसको क्या है, ये दोनों बटन दोनों का है, ठीक, दोनों में प्लस या माइनस, दोनों से हम क्या है वैल्यूम को माइनस प्लस घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये दोनों बटन से क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस बढ़ा और घटा सकते हैं। और इधर देखिए हरा लाइन जो है ग्रीन, यहाँ पे देखिए लिखा गया ब्राइटनेस, जिससे लाइट, जिसे बोलते हैं हम लोग लाइट बढ़ाना, माइनस एंड प्लस लिखा है दोनों ग्रीन लाइन के नीचे, माइनस एंड प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस एंड प्लस ब्राइटनेस लिखा गया है। ब्राइटनेस मीन्स होता है लाइट को कम और बेसिक करने के लिए, ठीक, प्लस से ज़्यादा, माइनस से प्लस, माइनस से कम होता है, ठीक। और ये हो गया आपका पूरा डेस्कटॉप के बारे में हमने बता दिया। इसमें पांच बटन होते हैं, इसका मॉनिटर नाम है, बीच वाला को वर्क स्पेस कहते हैं, और इसको, इसके पिता जो है चार्ल्स बैबेज है, और इसको एक तरीके का हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर। हाँ, ये एलसीडी को हम लोग छू सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि छू सकते हैं, तो उसका क्या नाम है, हार्डवेयर। ये आपको अगले हम क्लास में बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं सीपीयू। सीपीयू का देखिए ध्यान से, सीपीयू बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सीपीयू का जो है। सीपीयू मींस होता है क्या, फुल फॉर्म इसका होता है, यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए आया है लाइन पट्टी आई है, इसमें देखिए लिखा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो है ये गोला बनाया गया, इसका नाम है, ये बटन है बनाई गई, ये गोला नहीं है, बटन है, ठीक, इसका नाम है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, इससे हम चालू कर सकते हैं, ठीक, सीपीयू को दबाएंगे तो इससे चालू होगा। और अगला क्या है, यहाँ पे जो रेड वाली पट्टी आई है, ये छोटी बटन है, ठीक, इसका नाम है रीस्टार्ट। जब भी कंप्यूटर हैंग कर रहा हो तो आप रीस्टार्ट दबाएंगे तो जहाँ से काम कर रहे थे वहीं पर डायरेक्ट खुलेगा, और स्टार्ट का मतलब शुरू से खुलेगा, ठीक। रीस्टार्ट और स्टार्ट, ये दो बटन होते हैं, बड़ी बटन का नाम है स्टार्ट, छोटी बटन का नाम है रीस्टार्ट। और ये जो दो ठो गोला है जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये एयरफोन जैक होता है, जिससे हम गाना वगैरह सुनते हैं, म्यूजिक वगैरह, ठीक, एयरफोन जैक है, ये दोनों एयरफोन जैक है, ये भी और ये भी, दोनों, ठीक, ये दोनों
दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक, एयरफोन जैक है, ठीक। उसके बाद ये जो है दोटो, ये यूएसबी जैक है। ये क्या यूएसबी, जैसे हम चार्जर का यूएसबी यूज करते हैं चार्जिंग के लिए, उसी तरह इसमें हम कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाने के लिए ये यूएसबी जैक लगा होता है, ठीक। इससे कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाया जाता है और भी अन्य डिवाइस को जोड़कर चलाया जाता है, ठीक। ये होता है यूएसबी जैक। सीपीयू में कितने रहते हैं, चार दो छः ठो रहते हैं, दो ठो आगे रहते हैं और चार ठो इसके पीछे रहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका, छः जैक पोर्ट होते हैं इसमें यूएसबी में, जैक छः जैक पोर्ट, पोर्ट यहाँ पे भूल गए हैं, पोर्ट आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आते हैं आगे, कंप्यूटर सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। याद रहे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर का फुल नेम क्या क्या मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है, ये भी याद ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सी से है, सी ओ एम पी यू टी ई आर यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का मतलब मैंने लिख दिया हूँ, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या है, सी से क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन लोग इससे चला सकते हैं, आम आदमी जिसे, ऑपरेट मीन्स चलाना, ऑपरेट मतलब चलाना होता है, ठीक। यम से क्या होगा, मशीन, यम से मशीन होगा, मशीन ये जो कंप्यूटर एक तरीके का मशीन है। पी से क्या है, पार्टिकुलर, इसे पार्टिकुलर भी कहा जाता है, एक तरीके का पार्टिकुलर है। यू से यूजर, जो चलाने वाला होता है उसको यूजर बोला जाता है, ठीक। टी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी, बहुत प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिसे हम सर्च करके निकाल सकते हैं। ई से क्या होता है, एजुकेशन, इसमें बहुत तरीके का एजुकेशन है, जैसा चाहेंगे वैसा सर्च कर हम निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से क्या है, एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छी खासी एजुकेशन। आर से क्या होता है, रिसर्च, जो हम सर्च करते हैं ना गूगल पे चाहे यूट्यूब पे चाहे किसी चीज़ पे, तो आप इससे सर्च करके ले सकते हैं, ठीक, वही दिया है, आर से रिसर्च होता है, ये है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करिएगा और अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे, अगला पार्ट बनेगा, ये पार्ट वन है, आपको जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट करिएगा।